विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस भिलाई नगर दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। मशीन ड्राइंग बी थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल बेस्ड ऑन CSVTU भिलाई। यूनिट वन मशीन ड्राइंग कन्वेंशंस में कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन कंपोनेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग का डेफिनेशन क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ग्राफिकल लैंग्वेज है जो एक आदमी के आइडिया और इंफॉर्मेशन दूसरे आदमी को कम्युनिकेट होता है, या एक टेक्निकल पर्सन का आइडिया और इंफॉर्मेशन दूसरे टेक्निकल पर्सन से जो कम्युनिकेट होता है उसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। डायमेंशनिंग इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। डायमेंशनिंग किसी भी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन सिंबल्स यूजिंग लाइंस मटेरियल्स लोकेशन होल्स डिफरेंट डायमेंशंस जो हम लोकेट करते हैं उसे हम डायमेंशनिंग कहते हैं। ये क्लोज्ड एरो ऑब्लिक स्ट्रोक ओपन 90 एरो स्मॉल ओपन सर्कल क्लोज्ड एंड फिल्ड एरो एंड ओपन 20 डिग्री। ए गुड एरो इज क्लोज्ड एंड फिल्ड इट्स रेशियो इट इज लेंथ ऑब्लिक विड्थ इज 3:1। डायमेंशनिंग फिगर यूनिट्स द ST 46-2003 स्टैंडर्ड अडॉप्ट द यूनिट लेंथ डायमेंशन इन मिलीमीटर विदाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ यूनिट सिंबल मिलीमीटर एंगुलर डायमेंशन इन डिग्री विथ ए सिंबल जीरो प्लेस बिहाइंड द फिगर एंड इफ नेसेसरी मिनट एंड सेकेंड में बी यूज टूगेदर। यहाँ बता देने योग्य बात है कि ST 46-2003 ये स्कूल और कॉलेजों में जो बच्चों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई जाती है उसके लिए स्पेसिफिकेशन या जो स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया गया है उसको ST 46-2003 कहते हैं। मेथड ऑफ इंडिकेटिंग डायमेंशन दो मेथड होते हैं, पहला अलाइन मेथड, दूसरा यूनिडायरेक्शनल मेथड। मेथड वन अलाइन मेथड डायमेंशन शुड बी प्लेस पैरेलल टू एंड अबव देयर डायमेंशन लाइन एंड preferably at the middle and clear of the line. Method 2, unidirectional method. Direction dimensions should be indicated so that they can be read from the bottom of the drawing only. Non-horizontal dimension lines are interpreted preferably in the middle for the insertion of the dimension. Note, horizontal dimension lines are not broken to place the dimension in both cases. Do not use boss system on the same drawing or on the same series of drawing. Align system जो होता है for A22A5 size sheet के लिए होता है, इसमें horizontal line के ऊपर इस तरह से लिखते हैं और vertical dimension को इस तरह से हम show करते हैं। और unidirectional system for large size drawing के लिए होता है, इसमें ये horizontal के लिए ऐसे और vertical के लिए इस तरह से लिखते हैं। और जो एरो बनता 3H अलाइन सिस्टम वैल्यू रीड फ्रॉम द बॉटम एंड राइट साइड। ये देखिए इसमें लाइन के ऊपर 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 अगर वर्टिकल में लिखना है तो ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और अगर इंक्लाइंड है तो ये इस डायरेक्शन में। बट यूनिडायरेक्शनल वैल्यू रीड फ्रॉम बॉटम ओनली, जितने भी हो बॉटम ये इस तरह से ही होंगे, इनको डायरेक्शन इस तरह से या इस तरह से नहीं लिखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशन द अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशन ऑन द ड्राइंग मस्ट इंडिकेट क्लियरली द पर्पस ऑफ द डिजाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दे आर अरेंज इन थ्री वे चैन डायमेंशनिंग पैरेलल डायमेंशनिंग कंबाइंड डायमेंशनिंग। चैन डायमेंशनिंग सो दैट इस तरह का अगर डायमेंशनिंग है तो चैन डायमेंशनिंग बोलेंगे, पैरल अगर इस तरह की डायमेंशनिंग है तो पैरल डायमेंशनिंग कहेंगे, और कंबाइन ये इस तरह और इस तरह का अगर है तो कंबाइंड डायमेंशनिंग कहेंगे। लाइन
A line is a length without the thickness. The boundary of the surface is a line. Line on an engineering drawing signifying more than just the geometry of the object, and it is important that the appropriate line type is used. Type of line used in engineering drawing. Applications of line of engineering drawing. A continuous थिक लाइन है, देखिए ये जो लाइन है कंटिन्यूअस थिक लाइन है, ये लाइन कंटिन्यूअस थिन वेव, ये इस तरह की जो लाइन है कंटिन्यूअस थिक वेव है, ये ब्रेकिंग लाइन भी कहते हैं। शॉर्ट जिगजैग थिन, ये देखिए ये भी ब्रेकिंग लाइन के लिए यूज होती है। कंटिन्यूअस थिन, ये देखिए इनसाइड डायमेंशन, अगर जो कम आउटसाइड है ये इनसाइड डायमेंशंस को कंटिन्यूअस थिन स्ट्रेचर रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट डैश मीडियम डॉटेड, हिडन जहाँ भी रहता है, जो ऑब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है उसके लिए डैश डैश करके हम लोग हिडन चीज को डोनेट करते हैं। लॉन्ग चैन थिन, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन इस तरह की अगर लाइन अगर है सेंटर लाइन तो 7 1 7 1 7 1 इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कटिंग प्लेन लाइन इन फ्रंट व्यू, ये देखिए यहाँ से यहाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट हम काट के फेंक देंगे, रिमूव कर देंगे और इधर से हम उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। कटिंग प्लेन लाइन इन टॉप व्यू में इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी सेंटर लाइन की तरह ही होता है लेकिन एंड में इसका डार्क रहता है जहां पर हम इस एरो को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ये लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइन या इसको हम कंटिन्यूअस लाइन से डार्क करते हैं, शो करते हैं। देखिए डैश डैश से हमने दिखाया जो हिडन है सेंटर लाइन, ये देखिए सेंटर लाइन इस तरह से हम दिखाते हैं। सेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड क्या, किसी भी सॉलिड का इनसाइड अगर कोई होल या कैविटीज बनी हुई जो हमें क्लियरली बाहर से नहीं दिखता है, उसको दिखाने के लिए एक इमेजिनरी कटिंग हम करते हैं और उस कटिंग कटिंग जिस लाइन से काटते हैं उसको कटिंग प्लेन बोलते हैं, और उसको रिमूव करके इमेजिनरी रिमूव करके जो हम देखते हैं, देखने के बाद जो ऑब्जेक्ट दिखता है उसको सेक्शन ऑफ सॉलिड बोलते हैं। जैसे फुल सेक्शनिंग व्यू, ये ऑब्जेक्ट है इनसाइड का, जैसे ये होल है क्लियर हमें नहीं दिख रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ ये कटिंग प्लेन से इतना काट कर रिमूव करेंगे, ये पार्ट हम इस तरह से ये हटा देंगे, इसको देखेंगे जब इस डायरेक्शन में ये एरो मतलब इस डायरेक्शन देखेंगे ये होल हमें क्लियर दिख रहा है, और यह सॉलिड पार्ट को हम हैचिंग करके इंडिकेट कर देंगे। हाफ सेक्शनिंग, ये देखिए इसका 1/4 क्वार्टर पार्ट हम रिमूव कर देते हैं ये इस डायरेक्शन में और इसको हटा दिया, और ये एरो इसका मतलब है कि इस फेस को हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। सो दैट देखिए ये होल अब यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख गया कैसा है, और ये सॉलिड पार्ट कटिंग वाइज इसको हम हैचिंग कर देंगे। ऑफसेट सेक्शनिंग, इस ऑब्जेक्ट को देखिए एरो इस तरफ है यानी इसमें कटिंग करके ये ऑब्जेक्ट को इस तरह से कटिंग करके ये वाले पार्ट को हम इमेजनरी रिमूव करेंगे और इस डायरेक्शन देखेंगे, इसमें जितने भी होल ये होल ये होल और ये कटिंग्स जो क्लियर दिख जाएंगे, और ये सॉलिड पार्ट जो कटता है इसको हम हैचिंग के थ्रू दिखाते हैं। ब्रोकिंग आउट सेक्शन, इसमें ये होल दिखाना ही जरूरी था और ये अंदर थ्रेड, इसके लिए हम पार्ट सेक्शनिंग बोलते हैं या ब्रोकिंग आउट सेक्शनिंग बोलते हैं। कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग इज एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट यूज टू स्टोर मैकेनिकल एनर्जी। स्प्रिंग आर यूजली मेड आउट ऑफ स्प्रिंग स्टील, दे आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग डिजाइन इन एवरी डे यूजेस, द टर्म ऑफ्टन रेफर टू द कॉइल स्प्रिंग। द इंडियन स्टैंडर्ड विच इज द इंडिकल विथ ISO 21629-1973 टेक्निकल ड्रॉइंग रिप्रेजेंट द स्प्रिंग्स इशू बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन for the standardization ISO was adopted by the Indian Standard Institute on recommendation of the drawing section committee and approved of the engineering drawing divisions standardized and usual applied notation
जैसे विड्थ ऑफ स्प्रिंग बी से मिलीमीटर, स्प्रिंग रेट एन बाय न्यूटन पर मिलीमीटर, वायर डायमीटर, मीन डायमीटर, मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, स्प्रिंग फोर्स, शियर मॉड्यूलर, हाइट ऑफ स्प्रिंग लीफ, नंबर ऑफ एक्टिव कॉयल, स्प्रिंग टॉर्क, स्प्रिंग डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रोटेशन, बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड टॉर्सन स्ट्रेसेस, ये सब नोटेशंस हम यूज करते हैं स्प्रिंग में। रिप्रेजेंटेशंस, सिलेंड्रिकल, हेलिकल, कंप्रेशन स्प्रिंग ऑफ वायर ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये इस तरह से दिखता है। इसका सेक्शनिंग करने के बाद हमको ऐसा दिखता है, और सिंप्लीफाइड या रिप्रेजेंटेशन जो रहता है या सिंबॉलिक तरीके से इस तरह से दिखाते हैं। सिलेंड्रिकल, हेलिकल ऑफ कंप्रेशन स्प्रिंग ऑफ वायर ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन रहेगा तो इसको हम इस तरह से स्प्रिंग दिखता है, इसका है सेक्शनिंग व्यू इस तरह से दिखता है, और इसको रिप्रेजेंट हम इस तरह से करते हैं। ये देखिए यहाँ पर फाई से किए थे हमने, यहाँ स्क्वायर से किया, इसका सेक्शन को बता रहा है। कोनिकल, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग ऑफ वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये इस तरह के स्प्रिंग दिखता है, क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखता है, और रिप्रेजेंट हम इसको इस तरह से करते हैं। कोनिकल, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग ऑफ वायर ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये इस तरह से दिखता है, सेक्शनिंग इसका इस तरह से, और इस तरह से हम रिप्रेजेंट करने का तरीका हम ये है। सिलेंड्रिकल, हेलिकल टेंशन स्प्रिंग ऑफ वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इस तरह से व्यू दिखता है, सेक्शनिंग के बाद ऐसा दिखता है, और सिंप्लीफाइड ऐसे करते हैं। डबल कोनिकल, हेलिकल टेंशन स्प्रिंग ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, स्प्रिंग इस तरह से दिखता है, इसका सेक्शनिंग इस तरह से होता है, सिंप्लीफाइड ऐसा किया हुआ होता है। सिलेंड्रिकल, हेलिकल टॉर्सन स्प्रिंग ऑफ वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन माउंटेड राइट हैंड, ये इस तरह का स्प्रिंग दिखता है, क्रॉस सेक्शन इसका ऐसा होता है, और इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कप या डिश स्प्रिंग इस तरह से दिखता है फिगर में, इसका सेक्शनिंग करने के बाद इस तरह से दिखता है, और सिंप्लीफाइड इसको ऐसे करते हैं। मल्टी कप स्प्रिंग या कप्स प्लेस्ड इन द सेम डायरेक्शन, व्यू इसका ऐसा दिखता है, सेक्शनिंग के बाद ऐसा दिखता है, रिप्रेजेंट इसको ऐसे करते हैं। मल्टी कप स्प्रिंग, सक्सेसिव कप अल्टरनेटिव इन डायरेक्शन, ये इसका व्यू ऐसा होता है, सेक्शनिंग इस तरह से होती है, सिंप्लीफाइड हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्पायरल स्प्रिंग, ये इस तरह से दिखता है और इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। स्पायरल स्प्रिंग, द स्प्रिंग आज ओंडेड बाय द रोटेटिंग द बॉक्स, ये इस तरह से दिखता है और इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। लीफ स्प्रिंग, सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग, मल्टी इलिप्टिकल स्प्रिंग शो, ये इस तरह से व्यू होता है, इसको सिंप्लीफाइड ऐसे करते हैं। सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग विथ आईलेट्स, इनके आईलेट्स हैं, ये इस तरह से व्यू दिखता है, इसको सिंप्लीफाइड हम इस तरह से करते हैं। सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग विथ द सेंटर बैंड, सेंटर बैंड, बैंड में हम इस तरह से इसको पैक करके रखते हैं, बांध के रखते हैं, और इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग विथ आईलेट्स एंड सेंटर बैंड, ये इस तरह से व्यू दिखता है और इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शाफ्ट, ए शाफ्ट इज ए रोटेटिंग मशीन एलिमेंट यूजली सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन विच इज यूज टू द ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर आर फ्रॉम ए मशीन विच प्रोड्यूस पावर टू ए मशीन विच एब्जॉर्ब पावर। The various members such as pulleys and gear are mounted on it. Serrated shaft, ये इस तरह का होता है और इसको conventionally हम इस तरह दिखाते हैं। Spline shaft, ये इस तरह से दिखता है, इसको हम इस तरह से conventionally represent करते हैं। Square on shaft, ये इस तरह से actual में shaft होता है, side view उसका ये है, और represent हम इस तरह से करते हैं। कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेयरिंग, ए बेयरिंग इज ए मशीन एलिमेंट दैट कॉन्स्टेंट रिलेटिव मोशन टू ओनली द डिजायर्ड मोशन एंड रिड्यूस्ड फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट। द डिजाइन ऑफ द बेयरिंग मे फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड फॉर फ्री लीनियर मोमेंट ऑफ द मूविंग पार्ट आर फॉर फ्री रोटेशनल अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस, आर इट मे प्रिवेंट ए मोशन बाई कंट्रोलिंग द वैक्टर्स
of normal force that bear on the moving part. Many bearings also facilitate the design motion as much as possible, such as by the minimized friction. Bearing are classified broadly according to the type of operation, the motion allowed, or to the direction of the load force applied to the part. ये bearing है, इसका हमें अगर इसका sectional view देखेंगे तो इस तरह का दिखता है, और इसको conventionally हम इस तरह represent करते हैं. Conventional representation of gear. Gear are machine element which are used for power transmission between shaft separated by small distance. Irrespective of the type, each gear is provided with the projections called teeth and intermediate depressions called tooth spaces. While two gears are meshing, the teeth of one gear enter the spaces of the other. Thus, the drive is positive, and when one gear rotates, the other also rotates. Transmitted power from one shaft to the another shaft. Gears are classified on the basis of the shaft of the tooth profile and the relative position of the shaft between which power transmission takes place. The pictorial view of the most of the some of the most commonly used gear train. Spur gear, helical gear, bever gear, warm and worm gear, rack and pinion. Spur gear इस तरह से दिखता है, इसको conventionally हम इस तरह represent करते हैं. Bevel gear इस तरह से दिखता है, इस तरह से हम represent करते हैं. Worm wheel gear इस तरह से दिखता है, इस तरह represent करते हैं. And worm इस तरह से represent करते हैं. Conventional representation of knurling. The operation is preferred for producing the indentations on a part of workpiece. Knurling allow hands or finger to get a better grip on the knurled object than would be provided by the originally smooth metal surface. Occasionally, the knurled pattern is a series of straight right or a helix of straight right rather than the more usual criss-cross pattern. स्ट्रेट नर्लिंग ये इस तरह सीधा सीधा इसमें खांचे बना रहता है, इसको कन्वेंशन इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. डायमंड में ये इस तरह से फिर क्रॉस ये इस तरह से बना रहता है नर्लिंग, जिससे ग्रिपिंग बराबर मिले. कन्वेंशन रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं. कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड. एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड ये इस तरह से दिखता है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. इंटरनल स्क्रू थ्रेड इस तरह से दिखता है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. स्क्रू थ्रेड इस तरह से दिखता है और इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. द मैट्रिक स्क्रू थ्रेड आर द वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ द जनरल पर्पस ऑफ स्क्रू थ्रेड. द यम डेजिग्नेशन फॉर द मैट्रिक स्क्रू इंडिकेटेड द नॉमिनल आउटर डाया ऑफ द स्क्रू इन मिलीमीटर्स. एज यम 6 स्क्रू हैज ए नॉमिनल आउटर डायामीटर ऑफ 6 मिलीमीटर. फॉर्म ऑफ थ्रेड. The design profile of external and internal thread are shown in figure. The following are the relation between the various parameter mark in the figure. ये profile है इसका, internal thread का है, external thread का ये profile है. 60 होता है metric thread के लिए. पिच है, यच पी के रिस्पेक्ट में दिए हुए डाटा, और इससे ही हम इसका